नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं छात्र सत्याग्रह की। कौन ये लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं, आपको पूरी जानकारी आपको देंगे। और इस समय हम शिमला के बाईपास रोड पर हैं, जहां पर कुछ छात्र आज अपनी मांगों को लेकर शिमला पहुंचे हैं। और अभी बाईपास में ये लोग खड़े हैं और उसके बाद ये ओकओवर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे। सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट यहां पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, और क्या इनकी डिमांड है ये भी हम आपको बताएंगे, सब बातचीत करेंगे। तो चयन आयोग की बहाल करने की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताना है, आज आप लोग शिमला पहुंचे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा नाम विशाल खजूरिया है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ पर छात्रों को सड़कों पर निकलना पड़ा है। और हमीरपुर से लेकर के शिमला तक जो है वो यहाँ पर छात्र सड़कों पर पैदल निकले हैं, और बहुत ही गुस्सा है छात्रों में। और मुख्यमंत्री जी से मिल करके जो है वो ठंडा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही एक आखिरी आशा है। और हमें इस प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि प्रदेश सरकार जो है, माननीय प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इस पर बहुत क्विक एक्शन लेने वाले हैं। और इनकी मांगे ये है कि आप लोग एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर निकालें, जिसे विद्यार्थियों का समय जो है वो बर्बाद ना हो। और विद्यार्थियों का इतना समय बर्बाद हो रहा है कि उनका जो एज निकलती जा रही है, और नौकरी जो है वो 2019 से वेट कर रहे हैं कि कोई नौकरी लगे, परंतु कोई भी असर जो है वो नहीं हो रहा है। तो अभी कौन कौन जो छात्र हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये जो आपकी जो लड़ाई है कब तक जारी रहेगी? ये देखिए, ये छात्र जो है वो हर किसी पोस्ट कोड के हैं, ये पर्टिकुलरली किसी पोस्ट कोड के नहीं है। तो पहले भी कई न्यूज़पेपर पे गलत हमारी तरफ से अखबार छापा गया कि जो आईटी 817 के स्टूडेंट है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और जो 817 के विद्यार्थी है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ, उससे हम नहीं करेंगे। परंतु ये मामला जो है वो प्रदेश सरकार जो HPSSC की बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि विभिन्न संगठन के जो आप कहते हैं इसमें JIT की, इनका कहा कि कोई एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट कोड नहीं है जिसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ये लोग आए हैं अपनी बेरोजगारी को लेकर, और उन्हें उम्मीद है सुखविंदर सुक्खू से कि उनकी ये जो डिमांड है ये मानेंगे। जय नयो खोल दो, जय नयो